हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करेंगे गाड़ी के ब्रेक पैड्स के बारे में कि इनकी कितनी लाइफ होती है, कितनी जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, अगले ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो हर 10,000 किलोमीटर्स पे क्यों हमें चेक करवाने चाहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो मेरी गाड़ी मुझे ब्रेक पैड्स के रिलेटेड एक इशू दे रही है छोटा सा, वो इशू भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या मुझे इशू मिल रहा है अभी और इन ब्रेक पैड्स को कितना टाइम हो गया। सो गाइज मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 27,500 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुकी है और अब इस गाड़ी में मुझे दिक्कत आ रही है ब्रेक पैड से। जैसे ही अगर मैं अपना ब्रेक दबाऊं, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में ब्रेक दबाता हूं, अगले टायर्स की तरफ से घिसने की आवाज़ आती है, मुझे अजीब सी एक घिसने की आती है, मेटल के घिसने की आवाज़ आती है। सो ये दिक्कत तो ब्रेक पैड्स की है, उनकी जो थिकनेस होती है ना ब्रेक पैड्स की वो कम होती जाती है जैसे जैसे वो रिम के साथ घिसता है, जितनी ज़्यादा हम ब्रेक यूज़ करते हैं वो रिम के साथ घिसता जाता है और वो कम होता जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हार्ड भी हो जाते हैं। जो ये ओरिजिनल जो हम नए खरीदते हैं जब नए होते हैं ये रबड़ होता है, बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ड होता जाता है जिससे आवाज़ देने लग जाते हैं। तो क्या ये ऑयलिंग से और घिसाई से ठीक होगा या मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे, ये वहाँ जाके पता चलेगा कि कितने परसेंट बचे हैं। खत्म है एकदम, निकल लो। ये लोहा आ गया, लोहा नहीं आ गया क्योंकि 80% घिस गए हैं। अच्छा चल सकता है, 80% घिस गए हैं।
सो गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि उनके ब्रेक पैड 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गए, मेरे सिर्फ 20 हज़ार है, 25 हज़ार पे कैसे ख़राब हो गए। ये सारा का सारा यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना हैवी यूजेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक्स दबाते हो, बहुत आप ट्रैफिक में चल जाते हो, बहुत ज़्यादा बार आपकी ब्रेकिंग दबती है, तो आपके ब्रेक पैड जल्दी भी ख़राब हो सकते हैं। चलने को ये 70-80 हज़ार किलोमीटर भी चल जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टियागो की सर्विस के बारे में बताऊंगा कि टाटा से कितना खर्चा आता है, ऑफिशियल कंपनी से सर्विस करवाने का क्या खर्चा आता है, और यही खर्चा लोकल मैकेनिक से सर्विस करवाने का क्या आता है। इन दोनों के बीच में मैं एक कंपेरिजन बताऊंगा आपको कि आपको कहाँ से करवानी चाहिए, क्या बेटर है, किस चीज़ को कहाँ से करवाना बेटर है। ऑल्सो अगर अभी तक आपने टियागो एंड LE Ti 20 इन दोनों का CNG रिव्यू नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, डू वॉच दैट वीडियो। सो गाइस, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और घर बैठे बैठे सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।